दोस्तों, मित्रों, बहनों, नमस्कार। मैं आचार्य सुमेर शास्त्री, अहमदाबाद, गुजरात। मेरा यूट्यूब चैनल आचार्य सुमेर शास्त्री में आपका स्वागत है। आज आपके सामने ऐसा तंत्र मंत्र विधि द्वारा ऐसा मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ, साक्षात माँ काली की शक्तियों से, साक्षात अम्बे माँ की शक्तियों से, साक्षात शमशानिक क्रिया से। वो प्रयोग, दो दिल टूट गया है, दो दिल बिछड़ गया है, दो दिलों के बीच कोई दरार पड़ गई है, या प्रेमी प्रेमिका बिछड़ गया है, तो उसको वापस कैसे मिलाएंगे, दो दिलों को एक कैसे करेंगे, दोनों का मिलान प्रेम से कैसे होगा। कभी कभी लड़का लड़की आपस में प्रेम करते, एक साल दो साल मैरिज तक बात पहुंच जाती है, फिर अचानक उसमें प्रेम संबंध टूट जाता है, मन मुटाव हो जाता है कोई कारणवश, और उसकी मैरिज नहीं होने के कारण दोनों बहुत ही चिंतित रहते हैं। तो आज का प्रयोग मेरा साक्षात सत्य प्रयोग और शुद्ध प्रयोग है और सिंपल प्रयोग है। आप अपने घर में आराम से ये प्रयोग कर सकते हो। प्रेम एक ताजमहल जैसा पवित्र जिंदा जागता उदाहरण है। ताजमहल का नाम सुना आपने, शाहजहां, मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम नूरजहां की याद में बनाया था। शाहजहां अपनी बेगम को बहुत प्यार करता था और अपना प्रेम को अमर रखने के लिए उसकी याद में ताजमहल बनाया जाता है। तो उसी प्रकार आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने एक तरह का मर्त प्रेम, एक तरह का टूटा हुआ प्रेम कैसे जागृत करोगे, कैसे उसके अंदर उत्तेजना पैदा करके वापस उसको प्राप्त करोगे। तो भैया, ये मेरा वीडियो जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में आपको और भी अच्छी से अच्छी जानकारी मिले मेरे द्वारा। सबसे पहले हमको ऐसा हवन करना है, साक्षात लाइव मेरे वीडियो चल रहा हवन करना है। हवन करने के बाद में आपको ऐसा, जो दो दिल बिछड़ गए हैं, जो दो दिलों में दरार पड़ गई है, जो दो दिलों के बीच में मन मुटाव हो गया है और अपना स्वप्न देखते हुए उसका स्वप्न टूट गया है, तो ऐसा हमको एक दिल बनाएंगे। सफ़ेद कपड़े लेना है, सफ़ेद कपड़े के ऊपर रुद्राक्ष की माला से एक दिल बनाएंगे, और जो दिल, जो प्रेमी प्रेमिका का प्रेम टूट गया है, वो इधर लड़के का फोटो, इधर लड़की का फोटो रखना चाहिए, और एक ऐसा दीपक जलाना चाहिए। दीपक साक्षात दीपक होना चाहिए, तेल का दीपक, ताकि दीपक की रोशनी होती है उस प्रकार वापस हमारे प्रेम में रोशनी आ जाए, हम एक हो जाए। तो अब ये देखो, लड़का लड़की प्रेमी प्रेमिका, कोई कारणवश किसने उनका प्रेम तोड़वा दिया है, उसका स्वप्न को चकनाचूर कर दिया है, और बेचारे बहुत दोनों दुखी हो गए हैं, और उनकी जो भावना थी, उनके अंदर प्रेम था, वो टूट गए हैं। तो उसके, या लड़का हो या लड़की हो, तो उसको ऐसा वापस अपना प्रेम पाने के लिए एक मंत्र करना पड़ेगा इसके सामने। ओम त्रीम त्रीम, लड़का या लड़के का नाम लिखे, मम बहु दुखियामी अस्क काम कुरु कुरु, ऐसा आपको 121 मंत्र करना, यानी मैं आपके बगैर बहुत दुखी हूँ। लड़का या लड़की जो जिसका प्रेम टूट गया, ऐसा आपको मंत्र करना पड़ेगा। मंत्र करने के बाद में ये दूसरा स्टेप आता हमारा, चावल होता है, चावल से लड़का और लड़की का पहला अक्षर लिखेंगे। जैसे मैंने पहला अक्षर लिखा लड़का का त, यानी किसी भी लड़के का नाम तरुण है तो पहला अक्षर त आ गया,
और फिर मैंने लिखा न, किसी भी लड़की का नाम कोई भी, जैसे मैंने न लिखा तो लड़की का नाम नैना है, और दोनों के अक्षर के बीच में एक के साथ दीपक जलाना है ताकि वापस दोनों का दिल एक हो जाए, प्रेम भावना एक हो जाए, दोनों की विचारधारा एक हो जाए, और जिस प्रकार अग्नि अग्नि देवता की साक्षी में जैसे मैरिज होता है तो हम साथ फेरे लेते हैं और पति पत्नी बनते हैं, उसी प्रकार अग्नि अग्नि देवता को साक्षी रखना चाहिए ताकि अग्नि देवता की कृपा हो जाए और हम यानी प्रेमी प्रेमिका एक हो जाए। ऐसे करने के बाद में तीसरा स्टेप आता है दिल, तीसरा स्टेप आता है दिल। ऐसा ये दिल प्रेम का प्रतीक होता है, जो फूलों से गुलाब के फूलों से जो पीला फूल होता है, जो लाल फूल होता है, उसको एक आप दिल दिल बनाना है। दिल बनाने के बाद में ऐसे पांच दीपक करना है, चारों दिशाओं में चार दीपक और बीचों बीच एक दीपक करना है ताकि ये दिल प्रेम का प्रतीक है, ताकि रूठा हुआ दिल वापस खुशी से एक हो जाए। जैसे बगीचे में हम जाते बसंत ऋतु होती है तो बगीचे में हम जाते तो फूलों की कैसी महक आती है, उसी प्रकार ये दिल फूलों से बनाएंगे ताकि आपके दोनों के प्रेम में वापस एक तरह की महक आ जाए, एक तरह का मन मुटाव दूर हो जाए और आप प्रेमी प्रेमिका एक हो जाए। ये मेरा वादा है और सिंपल सा प्रयोग, साधारण सा प्रयोग आपको करना है। अब आपको ऐसा दो गुलाब का फूल लेना है, एक प्रेमिका नाम का, दूसरा प्रेमिका का नाम का। गुलाब का फूल लेके अग्नि देवता की साक्षी में हम 21 माला करेंगे। ओम हीम त्रीम, ओम हीम त्रीम मम प्रेम प्राप्ति कुरु कुरु, ओम हीम त्रीम मम प्रेम प्राप्ति कुरु कुरु, यानी मेरा वापस प्रेम मेरे को वापस मिल जाए। ऐसा दोनों फूलों को हम जो टूटे हुए दिल है लड़के लड़के के फोटो और लड़की के फोटो पर रख देंगे। रखने के बाद में दो नींबू लेंगे प्रेमी प्रेमिका का नाम का, जिसका दिल टूट गया है और जो वापस एक होना चाहते हैं, तो इसको भी अग्नि देवता की साक्षी में वापस 121 हम माला करेंगे। ओम हीम क्रीम मम वश्यामी, ओम हीम क्रीम मम वश्यामी, यानी मेरे वश में हो जाए वापस और मेरे कहने में आ जाए और लाइफ टाइम मेरा पार्टनर बन जाए और मेरे से शादी करने के लिए पुनः राजी हो जाए। ऐसा लड़के के फोटो के पास और लड़की के फोटो के पास रख देना भैया। रखने के बाद में भैया हमको फिर स्मरण करना पड़ेगा, ये जो हमारे माता जी का जो हमने आराधना भक्ति की है उसमें अब हम एक शमशानिक मंत्र करेंगे। शमशानिक मंत्र क्यों करेंगे कि जो कारण वंश हमारा प्रेम टूट गया है, प्रेम भंग हो गया है या किसी ने प्रेम तोड़वा दिया है, तो वापस एक करने के लिए हमको एक शमशानिक मंत्र होता है जो हमारे दिल की भावनाओं को समझकर दोनों एक हो जाए। वो आपको 21 माला करनी है। जैसे शमशानिक मंत्र में बोलता हूँ आपको और आपको समझना है। ओम क्रीम क्रीम शमशानिक मर्त आत्मम मम प्रेमी पंगड़ मिलाम, ओम शमशानिक मर्त आत्मम ओम क्रू क्रू प्रेमी प्रम मिलानम, यानी हे मर्त मर्त आत्मा ही शमशानिक आत्मा हाजिर होकर हमको प्रेमी प्रेमिका को मिला दूँ। ऐसा आपको अपना जो पहला अक्षर लिखा हुआ है उसके सामने मंत्र करना है। मंत्र करने के बाद में भैया आपको ऐसा एक कलश लेना है। कलश लेके इसके अंदर सबसे पहले लड़की का फोटो डालना है, उसके बाद में लड़के का फोटो डालना है, उसके बाद में जो गुलाब का फूल हुआ दिया है लड़के का नाम का और लड़की का नाम का, उसके बाद में जो मंत्र वासित किया वशीकरण का जो हमने नींबू दिया है लड़की के नाम का और लड़के का नाम का, ये वस्तु कलश में डाल देंगे। कलश में डालने के बाद में इसके ऊपर हम ऐसा कपड़े से इसको ढक देंगे या इसको कपड़े से हम बांध देंगे। कपड़े से ऐसा हम बांध देंगे, जो मोड़ी होती है जो लाल कलर का धागा होता है उनसे हम उसको बांध देंगे। और बांधने के बाद में इसको
अग्नि देवता के ऊपर वापस हम स्मरण करेंगे, हमारा खोया हुआ प्यार, हमारा प्रेम या प्रेमिका हमको वापस मिल जाए और शादी के लिए राजी हो जाए, उसके घर वाले भी राजी हो जाए, तो उसको हम अग्नि देवता की साक्षी में जो ये मंत्र हुआ वशीकरण का जो हमने टोटका किया है वो 21 बार इसे घुमाएंगे। ओम ह्रीम क्रीम मम वश्यामी मम प्रेमी प्रेम का प्राप्तिम, ओम ह्रीम क्रीम मम वश्यामी मम प्रेमी प्रेम का प्राप्तम, यानी मेरा प्रेमी या मेरा प्रेमिका मेरे को प्राप्त हो जाए, ऐसे 21 बार इसको जो हमने कलश लिया है जो वशीकरण का हमने जो सब ये वस्तु डाली है इसको 21 बार अग्नि भगवान की साक्षी में हमने इसको मंत्रित किया है। अब आपको इसको बया मैं आपको वादा करता हूँ, इसको तीन दिन अपने घर में जो गुप्त जगह होती है किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, गुप्त जगह रख के रात को आप सोते हो तो सोते समय 21 बार इसको अपने दिल में टच कर लेना चाहिए। अगर लड़की लड़के को चाहता है तो लड़के का नाम लेके 21 बार टच करना है, अगर लड़का लड़की को चाहता है तो लड़की का नाम लेके उसे 21 बार टच करना चाहिए। तीन दिन रात को सोते समय ऐसा 3 दिन टच करने के बाद में मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ, आपका खोया हुआ प्यार जरूर सामने से आएगा। लड़की इतनी तड़पेगी या लड़का इतना तड़पेगा आपके बगैर रह नहीं सकता है, आपसे गलती मांगेगा, माफ़ी मांगेगा और शादी के लिए यस कर देंगे, हाँ पाड़ देंगे और घर वाले भी उनका विरोध नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। 3 दिन के बाद में इसको आप क्या करना है, कोई आपकी ये प्रयोग भैया बहुत खतरनाक प्रयोग है, जो वशीकरण है भैया खोया हुआ प्यार वापस पाने के लिए ये मंत्र है, तो इस कलश को आप जो शमशान की जगह होती है जो रात के समय या दिन के दोपहर के समय आपको जाके खड्डा खोद के अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम रखे, इसको शमशान की जगह में गाड़ देना चाहिए और इसको गाँटने के बाद में मैं आपको वादा करता हूँ 3 दिन के अंदर अंदर आपका प्रेम आपको मिलेगा, आप खुद अपने प्रेमी या प्रेमिका को पाकर पसंद हो जाओगे, आपके लाइफ में खुशी आ जाएगी और आपका जीवन वापस एक स्वर्गमय हो जाएगा और कभी आप वापस दोनों प्रेमी प्रेमिका जुदा नहीं रहोगे, ये मेरा दावा है। मैं आचार्य सुबेर शास्त्री अहमदाबाद गुजरात, मेरा ये वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।